हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। कौन सवेरे उठ के नहाई हलो ठीक बनू। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब मस्त होंगे। तो गाइज मैं भी एकदम टकाटक हूँ, तो आप लोग से सॉरी बोलता हूँ, और क्यों बोल रहा हूँ ये लास्ट में बताऊँगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइज अभी सुबह का 8 बज चुका है और अभी हम फ्रेश व्रेश हो गए हैं और इंट्रो मारने के लिए अपने अंकल जी के छत पे आ चुका हूँ। एंड गाइज अभी चलते हैं नीचे और आप लोगों को एक बार फिर से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग के दुलार प्यार और आशीर्वाद से मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। और बता दूँ कि आप सबका दुलार प्यार और आशीर्वाद रहा तो 1K भी बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड गाइज अभी चलते हैं नीचे अपने कमरे में। गाइज अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और देख लीजिए थोड़ा थोड़ा धूप निकला है। अभी कल तो थोड़ा धूप निकला था और आज भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। इधर देख लीजिए दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर धूप दिख रहा है। एंड गाइज आज तो सुबह में ही धूप निकल गया है 8 बजे ही, और बाकी चीज़ तो बहुत लेट से निकल। सो गाइज अभी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं अपने कमरे। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है हर चीज। एंड गाइज ये रहा मेरा कमरा और इधर देख लीजिए इसी पर हम सोते हैं, और इधर रहा मेरा जूता। तो जूता को सजा कर रख दें क्योंकि ये इसको धोना पुराना हो गया है और ये फट भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पे फट गया है। तो सोच रहे हैं एक नया लेने के लिए, तो देखते हैं कब लेते हैं। और अभी चल रहे हैं इसको धोने। और ये रहा मेरा बेडरूम जो कि हम सोते हैं इसी पर, और इधर एक बल्ब लगाया है और पंखा देख लीजिए कैसे लगाया है। क्या करें गाई, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सुविधा नहीं है ज़्यादा, तो इसी में एडजस्ट आप लोग कर लेते हैं। तो फाइनली गाई हमने जूता आता तो धो लिया, और देख लीजिए इधर जूता पसार दिए हैं छानी पर, और इधर रहा मोजा। और अभी एंड गाइज अभी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो चल रहे थोड़ा आग था अपने। एंड गाइज ये रहा यार, तो गाइज भूख लगे और चल रहे हम मुंह धोने। देख लीजिए इधर मेरा ब्रश है, आप लोगों को पहले भी दिखाया है, और ये रहा मेरा जीवा। तो गाइज अब चलते हैं ब्रश करने, और ब्रश करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज हमने ब्रश व्रश कर लिया, अब जाना है खाना खाने। बट उससे पहले एक ज़रूरी बात कि आज हम नहीं नहाए, क्योंकि कल भी नहाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ खिचड़ी आज नहीं मनाया जा रहा है, 14 तारीख को नहीं मनाया जा रहा, 15 को मनाया जाएगा, जिसके कारण हम 15 को ही नहाएंगे। और आप लोग के यहाँ कब खिचड़ी मनाया जा रहा है मकर संक्रांति, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, 14 को या 15 को मनाया जा रहा है खिचड़ी। और गाइज बता दें कि आज हमें जाना है फिर से बेतिया, तो आज भी आप लोगों को बेतिया का नज़ारा देखने को मिल। एंड गाइज ये रही हमारी माँ जी, और देखिए खाना लेके आए। तो गाइस ये रहा खाना, अब खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से बेतिया के लिए। देख लीजिए चावल और सब्जी और साग, साग तो बहुत फेवरेट है। तो गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद अभी। तो फाइनली गाइस हमने खाना वाना खा के कंप्लीट हो चुका है और कपड़े भी पहने हैं, और जब मैं अपने रूम में आया तो देखिए बॉबी क्या कर रही है, अभी आप लोग को दिखा। सो गाइस देख लीजिए बॉबी अभी क्या कर रही है, बिना किसी से पूछे, और ना ही कोई इसको सिखाया, ना ही कोई बताया, और आके ये मेरा रूम साफ कर रही है, और झाड़ू से देखे कितना मस्त, मतलब कि साफ कर रही है, किसी ने नहीं बताया, इसका दिमाग देखिए। सो फाइनली गाइस घर से निकल चुका है बेतिया जाने के लिए, और इधर पीछे राजेश बैठा है और हम लोग जा रहे हैं, और खाना भी ले लिए दोपहर के खाने के लिए और पापा जी के भी लिए। और देख लीजिए इधर खाना है, ये रहा खाना, और हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, इधर है राजेश। तो हाय गाइस कैसे हैं, आई होप सब मस्त होंगे। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चौक पे, और यहाँ पर देखिए मैं अपना मोबाइल लेकर और अपना वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ, और अपना जो वीडियो है उसको देख रहा हूँ। और गाइस अभी चलते हैं चौक पर, और चौक पर से वहाँ से चलेंगे बेतिया, तो फिर आप लोगों को बेतिया का सीन मिलेगा, वीडियो में कंटिन्यू बने। तो फाइनली गाइज अपने दुकान पर पहुँच चुके हैं लोग, और हम अभी जा रहे हैं बेतिया, तो चलते हैं बेतिया, तो आप लोगों को मिलेंगे अब एक बार बस स्टैंड। और उधर राजेश अपना वीडियो बना रहा है, उसका अपडेट आ गया है, तो और हम चलते हैं अभी यहाँ से। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं चौक पर, और चौक पर चल के बस से चलेंगे वहाँ से बेतिया। तो गाइज अभी रास्ते में है, देख लीजिए बाइक वाले आ रहे हैं फास्ट बाइक चला कर। तो गाइज अभी हम चढ़ चुके हैं बस में, और यहाँ से बेतिया जाने के लिए। फाइनली गाइज बस से गाना कितना
तो फाइनली गाइस हम उतर चुके हैं बस से, और वहाँ इतना तेज बस आया ना, इतना फास्ट कि हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। अभी हम जाएंगे बाइक से, और ये रहा बस, और हम चलेंगे यहाँ से अभी बेतिया गाँव। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, और स्टेशन आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है बेतिया का, देख लीजिए। और वो रहे एक गार्ड साहब, बहुत बड़ा स्टेशन है। तो गाइस जैसे ही हम टाउन में प्रवेश किए हैं तब तक मास्क चेकिंग होने लगा, तो जाकर अभी देख लीजिए मास्क खरीदे हैं और मास्क पहन के फिर घूमेंगे टाउन में। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम लोग मार्केट। तो गाइस अभी फिर से आज भी अकाउंट नहीं खुला, तो अभी चल रहे हैं लोग घर, और वहाँ से फिर देखेंगे दूसरे बैंक में, तो फिर वहाँ खुलेगा। अभी चल रहे हैं लोग फिलहाल। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने घोगा चौक पर, और भूख वूख लग गया, चल रहे हैं नाश्ता वास्ता करते हैं क्योंकि खाना ख़त्म हो गया दुकान पर जो लाए थे। तो मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। तो गाइस नाश्ता वास्ता कर लिए लेकिन, और भाई साहब घोगा चौक पर आज इतना ना भीड़ है कि पूछ, लोगों को दिखा रहे हैं कि घोगा चौक पर देख लीजिए इधर गाइस बहुत भीड़ है आज घोगा चौक पर, जो कि मकर संक्रांति है ना उसी के लेकर आज घोगा चौक पर बहुत भीड़ है। वो भी 20 रुपए सो फाइनली गाइज हम घर पे आ चुके हैं, और रात को अभी 10 बज रहा है, और लाई वही हम लोग बांध दिए हैं, सुबह में खिचड़ी मनाएंगे तो लाई वही खाएंगे, और कल आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो ये तो एक दिन पीछे चलता है हम लोग का ब्लॉग वीडियो, तो आप लोग को एक दिन बाद देखने को मिलेगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग इंजॉय कीजिएगा जब भी मिलेगा तो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और आप लोगों को थैंक यू सो मच जो अपना कीमती समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं। और शुरू में ही आपको सॉरी बोले हैं क्योंकि एक दिन वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, इसीलिए शुरू में हम सॉरी बोले हैं। तो फिर